सब हो रहा है, बस का वेट फुल पावर एकदम। काफ़ी भीड़ तो नहीं है आज यहाँ पे, एकदम खाली खाली पड़ा है फुल पावर। ये बस खड़ी है, पता नहीं कौन सी है, जाके पूछना पड़ेगा कौन सी बस है। फिलहाल पूछते हैं तो बाद में मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ी वाली भी है, ज्यादा तो नहीं ली। देखो राणा भैया हमेशा हंसते ही रखते हैं, फुल पावर एकदम मस्त। और इसी के साथ आज भीड़ भी बहुत ही कम है, भाई पुष्पा मन रहा है राणा भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मगन होंगे। तो भैया तुम्हारा भाई फिर से आ गया एकदम मस्त है ना, फुल पार नहा दोगे एकदम रेडी होके। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, तो आज हमें जाना था मंदिर, माता जी के मंदिर, तो वो तो हमारा कैंसिल लगभग हो ही चुका है, क्योंकि जिन्होंने मुझे काम सिखाया था वेडिंग शूटिंग का, उनका मेरे पास कॉल आया था कि आपको गंगानगर जाना है ड्रोन सेल करने के लिए। तो भाई मुझे तो खतरनाक वाली फीलिंग है, वो घट गई एकदम डाउन होगी। तो मैंने सोचा कि मंदिर तो आज बिल्कुल नहीं जाया जाएगा, और इसी के साथ मुझे जाना पड़ेगा गंगानगर ड्रोन सेल करने। उनकी बात को मैं मना तो नहीं कर सकता, पर मुझे माननी पड़ती है, क्या ही बोले। तो अब चलते हैं गंगानगर, यदि मुझे टाइम मिला तो गाइस मैं ज़रूर मंदिर जाऊंगा माता जी के दर्शन करने के लिए। तो अब हम चलते हैं गंगानगर। तो एक बात, हाँ गाइस, तो आप गाइस बिल्कुल भी अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल वीडियो को देख रहे हो पर उसे सब्सक्राइब नहीं करे, शेयर भी नहीं करे और लाइक भी नहीं करे। तो भैया ऐसा मत करो, तो गाइस मुझे एकदम फुल पावर वाला दुख होता है, तो आप थोड़ा समझ के चलो। तो यार अपना भाई को फुल सपोर्ट दिखाओ यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड और आगे कोई भी जो भी है उन्हें शेयर करो। तो अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, अब चलते हैं गंगानगर के लिए, एकदम फुल पावर रेडी होते हैं, बैग को भरते हैं एकदम फुल पावर। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो हम लोग जी, तो फाइनली गाइस हमारा गंगानगर जाना कैंसिल हो चुका है, फुल पावर एकदम मस्त। तो भैया हमने अब पक्का कंफर्म हो ही चुका है हमारा, तो गंगानगर जाना नहीं है और ड्रोन सेल भी नहीं करना। तो हम अब जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, हनुमानगढ़ जिले के आसपास के मंदिर है, तो वहाँ जा रहे हैं और मज़ा करेंगे ना, फुल नाइट को मज़ा करेंगे, उसके बाद नाइट को ही वापस आएंगे। तो अब चलते हैं गाइस बिना देरी किए। तो आपको पता ही है तुम्हारा भाई हमेशा लेट ही जाता है, नाइट के समय में जाता है, तो आपको ज़्यादा नाइट के लोग ही देखने को मिले होंगे। मैं दिन में तो फ्री रहता हूँ एकदम मस्त, घर पर रहता हूँ। तो अब बिना देर किए गाइस चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, उसके लिए बाय। थोड़ा समय लगेगा हम गांव से निकलने के लिए, तो फिलहाल चलते हैं। ये देखो गेट, तो उधर से निकलते हैं गाइस, इतने आराम से हम निकल चुके हैं एकदम फुल पावर मस्त। गांव में देखने वाले तो बहुत ही सीन, ऊपर तुम्हारा भाई अलग ही सीन है, कुछ अलग ही टाइप का लगता है। तो देखो आप किस तरह का सीन है हमारे गाँव का, बाहर का इस तरह का सीन है। तो वो हमारी फैक्ट्री है जहाँ दाना पानी जो भी होता है ये है। हाँ आपने वो डायलॉग सुना ही होगा, आड़ी बाड़ी, आपने सुना ही होगा, कहाँ जा रहे हो, आड़ी बाड़ी, ये आड़ी बाड़ी का सीन है। तो आपको मिलते हैं रोड पे, तब तक के लिए बाय। पीछे आप देख सकते हो, पीछे मेरे गुरुद्वारा, आपको गुरुद्वारा भी दिखा देता हूँ मैं, देखो चेकआउट करो गाइस, पीछे ये हमारा गुरुद्वारा गांव के बाहर ही पड़ता है। तो फिलहाल चलते हैं आगे, बस उसका आने का वेट करते हैं, नहीं तो रिक्शा लगी हुई है, रिक्शा से जाना पड़ेगा मस्त एकदम, यदि बस आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब चलते हैं आगे, आपको मिलते हैं, देख सकते हो आप बस का वेट फुल पावर एकदम है, तो काफ़ी भीड़ तो नहीं है आज यहाँ पे, एकदम खाली खाली पड़ा है फुल पावर। ये बस खड़ी है, पता नहीं कौन सी है, जाके पूछना पड़ेगा कौन सी बस है, और रात हो सकती है हमें। तो फिलहाल पूछते हैं भैया ये बस कहाँ जाएगी, हनुमानगढ़ आएगी। तो भैया हमने पूछा था, तो बस अभी तक आएगी, अभी तक आई नहीं है, तो फिलहाल आप एक मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर में।
तब तक के लिए बाय। तो भैया पूछताछ से पता चल रहा है कि बस वहाँ आएगी उस साइड के, तो बस स्टैंड में नहीं आएगी, तो रोड क्रॉस करते हैं एक बार देख के, आपको करना पड़ेगा क्रॉस। सुबह गाड़ियाँ आ रही हैं, वेट करते हैं, तो रोड खाली होती है, अब चलते हैं आगे, रोड वो करते हैं क्रॉस। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस, तो बस आती है उसके बाद चलेंगे हनुमान गढ़ के लिए, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली गाइस इतना टाइम निकालने के बाद बस आ चुकी है, तो आपको दिखा देते हैं, बस वो आ रही है, उस बस पे जा रहे हैं मस्त एकदम। A few moments later. Finally guys, हम पहुंच गए राणा भाई के शहर में। तो राणा भाई इधर बता रहे थे हमें कि मैं यहाँ अड्डे पर ही हूँ, तो इसको ढूंढते हैं, हम आपको बताते हैं कि साइड से आए थे, इस साइड से आए थे, इस साइड वो बस गई है हमारी फुल पावर। तो अब चलते हैं, हमारे को राणा भाई के घर पे भी जाना है, वो हमें कह रहे थे कि हम यहाँ आस पास में है, तो उनको ढूंढते हैं थोड़ी देर के लिए, और कुछ खाना भी खाएंगे, भूख भी लगी पड़ी है, तो पावर तो उनको देखते हैं कहाँ मिलते हैं। फाइनली गाइस हमें राणा भाई भी मिल चुके हैं, मस्त पाव। ये देख सभी मेरे भाई मित्रों को राम राम दिया, जितने भी मेरे भाई मित्र हैं कल से जो मेरे को मिस कर रहे हैं उनके लिए सभी मेरे भाइयों को राम राम दिया। ठीक है जी भैया, ये हमारा है छोटा फ्रेंड है ये हमारा, ठीक है जी भैया। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कभी मत रखो भैया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जाओ जाओ ठोक दो भैया। तो भैया आप चलते हैं राणा भाई के घर पे, शाम भी काफी हो चुकी है और ट्रैफिक भी लगभग बढ़ने लगा इधर, तो कुछ खाना पानी भी खाना है हमने फुल पावर एकदम, मस्त भूख लगी पड़ी है, तो जाने की प्यास तो बहुत ही तगड़ी लगी है, तो चलते हैं कुछ खाते हैं और इनके घर पे मिलते हैं आपको। तो भैया फुल पावर जा रहे हैं हम राणा भाई के घर पे, राणा भाई चला रहे हैं मस्त एकदम फुल पावर। तो भैया देखो वही जगह और वही सेम ही मस्त एकदम फुल पावर, सेम ही घर जाने वाले हैं, तो इधर से उनका रास्ता पड़ता है घर का। फिर से एक बार तो राम राम अंकल, फुल पावर मस्त एकदम। तो फिलहाल अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन कौन है, चलते हैं। तो राणा भाई बता रहे थे दीदी आई हुई हैं, तो मिलते हैं उनसे, और जीजा जी भी आए हुए हैं फुल पावर। जीजा जी आए हैं क्या? नहीं नहीं, अरे जीजा जी नहीं है, तो दीदी जी आए हैं एकदम फुल पावर मस्त, तो वही रूम आपको देखने को मिलेगा दो दिन के लिए। तो ये हमारा प्यारा सा बच्चा एकदम फुल पावर सेम वही, तो भाभी आपको देख रहे होंगे, भाभी पैसा निकाले पैसा एकदम माय सिस्टर, ये मस्त एकदम फुल पावर दीदी आ चुकी हैं हमारी, तो राम राम दीदी। तो ये है रामिन, मेरी भी दीदी है, तो अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, सभी का इंट्रोडक्शन हो गया, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, चाय पानी पीते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भैया राणा भाई हमें लेके जा रहे हैं बाजार पे मस्त एकदम फुल पावर खाना और सब्जी लेने के लिए। देखो ये लौंडा बहुत ही खतरनाक है और बाइक पे ही जाएगा, पैदल कभी भी नहीं जाता अपनी लाइफ में। तो भैया चलते हैं कुछ देर बाजार घूम के आते हैं और ताजा ताजा सब्जियों को देखते हैं और मिलते हैं आपको, और बाइक भी राणा भाई निकाल रहे हैं। राणा भैया हमेशा हंसते ही रखते हैं फुल पावर एकदम मस्त, और इसी के साथ आज भीड़ भी बहुत ही कम है, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या पावर एकदम मस्त। भाई पुष्पा बन रहा है राणा भाई एकदम मस्त, तो चलते हैं पुष्पा की तरह चल रहा है, चलो चलो आगे। खड़े रहने की जगह नहीं रहती, तो सैम ही उसी जगह दुकान पे आ गए राणा भैया, तो आप लेते हैं सब्जी। यार राणा भाई ने फुल पावर एक मंथ की सब्जी ले ली है फुल पावर एकदम मस्त, तो जाते हैं कुछ सलाद वगैरह बना के खाएंगे एकदम मस्त वाला। देखो भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही ले ली है, तो हाथ में भी पूरी नहीं आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी ली है पर ले ली है, दो दिन या तीन चार दिन तो निकल ही जाएंगे आराम से फुल पावर एकदम मस्त। तो अब चलते हैं गाइस घर पे, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। ले चले यार भाई, भैया लौंडा फिर से हमें घर ले आया सब्जी सब्जी ला के, तो अब का उसका कुछ भी पता नहीं है डिसीजन क्या लेगा कहाँ जाने का, तो मेरा डिसीजन ये है कि हमें जाना है माता के दर्शन करने नाइट को,
उसका डिसीजन कुछ और ही हो रखा है, पता नहीं क्या ही अलग ही सीन है। और देखते हैं क्या सीन होने वाला है, तो उसको आने दो, फिर पता लगेगा अभी क्या ही सीन होना होगा और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। यदि नहीं भी गए तो मेरे घर तो वापस जाना पड़ेगा। तो ये आ गया लौंडा, आई एम सुपरमैन क्रेज चल रहा है भैया, फेयर एंड लवली का क्रेज चल रहा है। फेयर एंड लवली में लगाता नहीं फेस पे कुछ भी, चेहरे पे कुछ भी नहीं। तो भैया हम फिर से आ गए हैं। तो भैया राणा भाई का डिसीजन हो चुका है कि हमें जो माता के दर्शन करने नहीं जाना है, पता नहीं क्या सीन हो गया, कल ही सीन है, बारिश का मौसम हो रखा बाहर भी। तो अब हमने डिसाइड किया है मेरी तरफ से, तो हम जा रहे हैं फिलहाल घर राणा जी की बाइक लेके। तो राणा भाई तो इधर ही खड़े हैं फुल पावर एकदम, अपनी गाड़ी जो है ऐसे कर रहे हैं, देखो चेकआउट गाइस। तो भैया अब चलते हैं, इधर से निकलते हैं, काफी रात हो चुकी है और खाना पानी हमारा हो चुका है फुल पावर एकदम मस्त। तो अब निकलते हैं इधर से, हमें काफी समय लगा है जाते जाते। आपको यदि कहीं रुके तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो वरना घर जाके आप से मिलते हैं। तब तक के लिए भाई हम जा रहे हैं, राणा भाई हमें बात छोड़ने आए थे, सुबह मिलते हैं आराम से फुल पावर एकदम मस्त। यार क्या छोटा यार, कुछ सामान गिरा रहा है, उनको बोला था मैंने ध्यान से थोड़ा सामान ध्यान से रखना, तो फुल पावर एकदम नीचे गिरा रहा है। तो अब चलते हैं गाइस, हम जा रहे हैं फिर उसी कल की तरह भैया आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं। तो देखो कल की तरह सेम उसी तरह भैया आइसक्रीम खाते हैं पहले, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस इसी के साथ राणा भाई आइसक्रीम वगैरह रेडी करवा रहे हैं कल की तरह, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हुआ यहीं से ही हम आइसक्रीम वगैरह खा के गए थे। तो भैया फाइनली हम जा रहे हैं घर पे फुल पा रहे हैं एकदम मस्त बाइक पे। तो राणा भैया की बाइक हमने ले ली थी उनके घर से, तो अब चलते हैं घर पे, आपको मिलते हैं और आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं पीछे से। तो चेकआउट गाइस, व्यू देखो पीछे से, तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो इधर लाइट वगैरह सब कुछ व्यवस्था नहीं किया था लाइट को हनुमान घर में। तो भाई तब चलते हैं घर पे, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो भैया फुल पावर हम पहुंच गए हैं हमारे दोस्त के घर से, तो भैया खतरनाक वाला सीन हुआ हमारे साथ, तो बार बारिश आ गई है, तो भैया हमसे घर नहीं जाएगा। तो आज का व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिए प्रेस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं, टेक केयर। यार मिला दे।